What is the mass of 0.2 moles of oxygen atoms, 0.5 moles of water molecules? तो सिमिलर यहाँ पर भी हमें मास कैलकुलेट करना है. तो पहले देखिए 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कैलकुलेट करना है. तो हम जानते हैं कि मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 16 एटॉमिक मास यूनिट, राइट? तो मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा? 16 × 0.2. ये भी सिमिलरली अगर 1 के लिए 16 होगा तो 0.2 के लिए 16 से सिंपली इंटू कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3.2 एटॉमिक मास यूनिट. यहाँ पर डेसिमल भी है, 3.2 एटॉमिक मास यूनिट. सिमिलरली 0.5 मोल्स ऑफ वाटर के लिए, तो वाटर का हम जानते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 18 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर 18 एटॉमिक मास यूनिट. तो 0.5 मोल्स के लिए सिमिलरली आप इंटू कर दीजिए 18 को 0.5 से तो आपको मिलेगा 9 एटॉमिक मास यूनिट. तो किसी किसी को इस बात में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के लिए 16 लिया लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ऑक्सीजन गैस के लिए 32 लिया था. तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स है तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ ओ है, और जो 32 मैंने वहाँ पर लिया था वहाँ पर लिखा था ऑक्सीजन गैस तो यानी कि वहाँ पर O2 था. तो अगर O2 होता है तो यानी कि 16 × 2 हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर मैंने 32 कंसिडर किया था. ठीक है, तो आप एटम और गैस में ध्यान दीजिएगा. चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.